हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एसके प्रॉपर्टी चैनल। और मेरा नाम है सुशील मिश्रा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो को पसंद किया। और आज मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्ट के बारे में, वो है अंजनी स्पर्श, जो कि रामदेव पार्क लोकेशन पे लोकेटेड है और बूत्रा डेवलपर्स इनके डेवलपर हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा आज, और आपको साइट विजिट भी कराऊँगा, उनका सैम्पल फ्लैट भी दिखाऊँगा। तो बात करते हैं अंजनी स्पर्श के बारे में। ये टोटल 10 माले की बिल्डिंग है और इसमें आपको स्टील पार्किंग मिलता है और ओपन पार्किंग एरिया है। इसमें 1 BHK और 2 BHK के वेरियस टाइप्स ऑफ अपार्टमेंट्स हैं। और अंजनी स्पर्श के बारे में बोलूँ मैं आपको, आपने शायद मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, मेरा रूट टॉप 5 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने वाला वीडियो, उसमें से एक ये प्रोजेक्ट है अंजनी स्पर्श। तो आपको मैं इसका फुल डिटेल्स दूँगा और आपको साइट पर लेके चलता हूँ। मैं साइट पर अंजनी स्पर्श की, और ये है इसका मेन एंट्रेंस। टोटल 10 माले का इनका स्लैब पूरा रेडी है और प्रोजेक्ट जो है वो रेरा रजिस्टर्ड हो गया है। सो देखते आगे में। और ये है सिक्योरिटी डेस्क, जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव लॉबी एरिया है। और इसमें ये 2 लिफ्ट मिलते हैं अपने को ये प्रोजेक्ट में, और 2 स्टैकेस रहेगा। और एक फ्लोर पे यहाँ पर अपने को मिलता है 6 फ्लैट, जो कि 4 1 BHK रहेगा और 2 2 BHK। तो आ गए हम 2 BHK के अपार्टमेंट में। और ये जो साइज़ है 2 BHK का, वो है 1080 स्क्वायर फुट का। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिविंग एरिया काफ़ी स्पेशियस दिया हुआ है, जिसमें आपको बैल्कनी अटैच मिलता है। इसमें आपको ग्रिल्स भी मिलेगा बिल्डर के द्वारा, और जो कि यूनिफॉर्म ग्रिल रहेगा। और लिविंग एरिया में आपको अटैच डाइनिंग एरिया मिलता है। और आगे हम बाथरूम की तरफ में, आपको देखिए कि एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है, जहाँ पे वॉश बेसिन रखा हुआ है और वाटर टैंक्स प्रोवाइड किया जाएगा बिल्डर से। आगे हम किचन में, किचन आपको पूरा मॉड्यूलर मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं फुली टाइल्ड किचन रहेगा और ट्रॉलीज वगैरह मॉड्यूलर किचन मिलता है। 2 साइड प्लेटफॉर्म, एक सर्विस प्लेटफॉर्म रहेगा। 3 फिट का ड्राई बैल्कनी है जिसमें ग्रिल्स अटैच रहेगा। तो ये है किचन एरिया पूरा। आपको मैं दिखाता हूँ अभी इसका कॉमन बेडरूम। कॉमन बेडरूम आप देख सकते हैं, इसका साइज़ जो है 9x10 का है, जिसमें आपको वार्डरोब, एक छोटा वार्डरोब स्पेस मिलता है। इसमें भी आपको एक बैल्कनी रहेगा, जो कि ग्रिल्स किए रहेंगे उसमें भी। तो ये कॉमन बेडरूम। चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ में। और जो फ्लोरिंग देख रहे हैं आप, ये विट्रीफाइड फ्लोरिंग है। तो आगे हम मास्टर बेडरूम में, और ये जो बेडरूम का साइज़ है इसमें 11.9x9x3 का है, प्लस वार्डरोब स्पेस अलग से मिलता है। और ये मास्टर बेडरूम है, एंटीज की टाइल्स है मास्टर बेडरूम में। और इसमें भी आपको बैल्कनी मिलेगा, एक्चुअल फ्लैट है ये भी। और थैंक्स, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा और उसको पसंद किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।